हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नई जानकारियाँ नई जॉब्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, और इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा जॉब्स की जानकारियाँ यहाँ से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की जानकारी कम्प्लीटली। मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे पहले लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं स्टेशन फायर ऑफिसर की, फायरमैन की, ड्राइवर की, SDE सिविल, SDE हॉर्टिकल्चर, अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ, हॉर्टिकल्चर, सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, हॉर्टिकल्चर, ड्राफ्टमैन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड लॉ ऑफिसर ऑल्सो। तो ये वैकेंसीज आज जो निकली हुई हैं, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ में निकली हैं, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने जा रही है स्टाफ की एट MCC। तो ये पूरी की पूरी डिटेल अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशन फायर ऑफिसर की। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है, जनरल के लिए एक है यहाँ पे, और फायरमैन की 81 वैकेंसीज हैं, 81 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल के लिए 31, SC के लिए 7 और OBC के लिए 14 है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 21 हैं, जिसमें से जनरल के लिए 11, SC के लिए 4, OBC के लिए 6 हैं, और EWS के लिए 8 हैं। इसके अलावा फायरमैन के अलावा ड्राइवर की 4 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, चारों OBC के लिए हैं, और SDE सिविल में ग्रुप ए के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, वो भी जनरल के लिए। हॉर्टिकल्चर में SD के लिए 2 वैकेंसीज हैं, वो भी जनरल के लिए हैं। अकाउंटेंट के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एक जनरल के लिए है और एक OBC के लिए है। और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 जनरल की हैं, 2 OBC की हैं, एक एक्स सर्विसमैन के लिए है। जूनियर इंजीनियर की सिविल में 4 वैकेंसीज हैं, 2 जनरल के लिए हैं और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में भी 2 ही वैकेंसीज हैं, दोनों जनरल के लिए हैं, और जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ में अगर देखें तो 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 3 जनरल के लिए हैं और 1 वैकेंसी जो है वो रिजर्व है। ठीक है, अब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी 2 ही वैकेंसीज हैं, दोनों जनरल के लिए हैं। ड्राफ्ट्समैन की ग्रुप में बी में 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5 जनरल के लिए हैं और 1 EWS के लिए है। फिर उसके बाद ड्राफ्ट्समैन की क्लर्क की जो वैकेंसीज है ग्रुप सी में 41 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 6, 11 वैकेंसीज हैं, 6 तो जनरल के लिए हैं और 11 वैकेंसीज जो हैं वो 11 वैकेंसीज जो हैं वो SC के लिए और 11 वैकेंसीज OBC के लिए हैं, और 9 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, और इसमें से 1 VH के लिए और 3 पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, 1 है EWS के लिए, 3 है। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की 5 हैं, 5 में डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है 2, 1, 1। तो उसके बाद एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज हैं, दोनों जनरल के लिए हैं। पटवारी की 1 वैकेंसी है, 1 जनरल के लिए है। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की 2 वैकेंसीज हैं और दोनों में से 1 जनरल है और 1 जो है वो OBC के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। इसके बाद जो अगली वैकेंसीज हैं पटवारी हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के बाद, जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज हैं 3, जिसमें से 1, 1 और 1 डिवाइड की गई हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 ही वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की 1 ही वैकेंसी है। अब हम चलते हैं इनकी जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन निकली हुई है, क्या स्केल रहेगा, क्या तरीका रहेगा सिलेक्शन का, और क्या उसके लिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब हम इस पूरी डिटेल को समझेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप डिटेल देख सकते हैं, ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़। तो सबसे पहले स्टेशन फायर ऑफिसर की अगर बात करें तो पे स्केल तो रहेगा अगेंस्ट द सेट पोस्ट आर एज 7th पे कमीशन जो आपको मिलता है वही मिलेगा। एक पोस्ट है और जनरल के लिए है, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप लोगों की बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग फायर में फ्रॉम नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस
पास की होनी चाहिए आपने स्टेशन फायर ऑफिसर का कोर्स किसी भी लाइक फ्रॉम NFSC नागपुर से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका फायर में, और साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. और शुड पोजेस दी फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट 5'7", चेस्ट मिनिमम आप लोगों की जो है 30, अनएक्सपेंडेड है वो 33.5 होनी चाहिए मिनिमम, आफ्टर एक्सपेंशन 35.5 होनी चाहिए. शुड नॉट हैव कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए. फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो रनिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 यार्ड्स विद ए वेट ऑफ 60 kg इन 1 मिनट, हाई जंप 4, लॉन्ग जंप 12 का होना चाहिए, और क्लाइंबिंग ए रोप टू ए हाइट ऑफ 8 feet. तो देखिए ये एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट रहेगी 18 से 37 साल, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से आप जो रिजर्वेशंस के लिए रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए छूट होती है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा. ड्यूरेशन 2 साल. अब इसकी सिलेक्शन का प्रोसीजर आप लोगों को जो डिस्कशन है ये हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन अब अगली वैकेंसी के अगर बारे में अगर बात करें तो अगली जो वैकेंसी है वो है ड्राइवर की, नंबर 2 फायरमैन की है. और फायरमैन की वैकेंसी जो है ये 81 है, जिसमें जनरल की 31, SC की 7, OBC की 14, ESM की 21, जैसे कि मैंने आपको बताया WS की 8 है. लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो +2 पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड एग्जाम बोर्ड से, और 18 से 37 साल की आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है. और इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट जो है 5'7", चेस्ट मिनिमम 33.5, और एक्सपेंशन के बाद 35.5 आप लोगों की होनी चाहिए. अब इसके अलावा फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आपका 100 यार्ड जो मैंने आपको पीछे बताया ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. और तीसरी वैकेंसी है ड्राइवर की. ड्राइवर के लिए ग्रुप सी में आप आ जाते हैं, 4 वैकेंसीज हैं. इसमें आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से. फिर उसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, और या किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, तो स्केल आपका इसमें फुल रहेगा. और उसके बाद SDE सिविल की अगर बात करें, 1 वैकेंसी है. आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. इसके बाद SDE हॉर्टिकल्चर की बात करें तो MSc डिग्री होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चर में विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर. इसके बाद जो अगली अकाउंटेंट की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए आपके BCOM होनी चाहिए, साथ में 1 साल का आपके पास टैली सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में अगर आपने इंटरमीडिएट किया है CA, ICA, WCS उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है. इसके बाद सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 6 वैकेंसीज हैं, उनको ग्रेजुएट उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और लॉ ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाएगा, ये प्रेफरेंस बताया है. अदरवाइज आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. फिर जूनियर इंजीनियर सिविल में के लिए 2-4 वैकेंसीज है, जनरल की 2, ESM की 2, तो इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से. और उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ में, उसमें डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक हेल्थ सैनिटरी या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से. फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का. फिर ड्राफ्ट्समैन के लिए मैट्रिक पास अगर आप हैं और ITI की है अपने आप ड्राफ्टमैनशिप की, तो डिप्लोमा किया है आपने, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. फिर क्लर्क के लिए अगर बात करें तो क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी सही होनी चाहिए. स्टेनोटाइपिस्ट की अगली वैकेंसी है, मिनिमम पे स्केल 21,700 इन्होंने लिखा हुआ है, क्लर्क के लिए 19,900 लिखा हुआ है, ठीक है. और अगर हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की, उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आप लोगों की जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए स्टेनोग्राफी इंग्लिश की, और 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इन ट्रांसक्रिप्टिंग दी सेम, ओके. तो अगली जो वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और डाटा एंट्री का आपका कोर्स होना ज़रूरी है. अब फ्रेंड्स पटवारी की पोस्ट जो 1 है उसमें मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और पटवार एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए, और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास रेवेन्यू वर्क का एक्सपीरियंस है. फिर हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी में मैट्रिक या हायर सेकेंडरी आप लोगों की होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है. और ड्राफ्ट्समैन जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए मैट्रिक पास होने चाहिए और ITI होनी चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में. कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आप लोगों की MCA होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए मतलब साइंस में,
कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप लोगों की कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। लॉ की पोस्ट के लिए, लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और 3 साल का आपका एज ए एडवोकेट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो बाकी इसकी इनकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आप लोगों को लिंक में बता दूंगा, लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको सारी की सारी जानकारी इनके बारे में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 अप्रैल शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 3 मई 2021, और लास्ट डेट फीस जमा करवाने की है 5 मई 2021। तो 5 मई 2021 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इस बात का आप लोगों ने खास यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगली कंडीशन, जो इसमें कंडीशंस हैं हाउ टू अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, तो देखो एक नया पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे जा कर के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन बाई पोस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी, इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। और आप लोगों की फीस की बात करें तो SC ST कैटेगरी के लिए जो फीस है 500 रुपया, जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, ESM के लिए 1000, PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया, और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। और ये जो फीस है आप लोगों को ऑनलाइन ही पे करनी है, इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है कि ऑफलाइन अप्लाई करना है, और वहाँ पे आप लोगों को फिर कंफ्यूजन रहता है, और वहीं से फिर आप लोगों को मतलब कई बार एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब आ जाती हैं। तो ये देखिए अब इन मतलब डिटेल में आप लोगों को मैंने सारा बता दिया, और यहाँ पे फीस के बारे में आपको पता चल गया, स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट के बारे में आपको पता चल गया, फीस के बारे में पता लग गया, मिनिमम एज आपको 18 साल मैंने बताई, और मैक्सिमम एज आप लोगों की 37 ईयर्स होनी चाहिए, और बाकी SC ST और OBC PH और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए अलग से जो रूल होते हैं एज के, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कंप्लीट जानकारी इन पोस्टों के बारे में, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की तरफ से निकली हुई हैं। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा फ्रेंड्स, और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।